इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सीतापुर संगठन के पदाधिकारियों द्वारा सुब्रत राय सहारा के जन्म दिवस को काला दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर सीतापुर संगठन के जिला अध्यक्ष नवल किशोर मिश्रा द्वारा बताया गया कि सुब्रत राय सहारा का जन्म 10 जून 1948 को हुआ। उनके द्वारा देश के अंदर सैकड़ों कंपनियों को बनाकर तथा लाखों एजेंटों के माध्यम से देश के भोले भाले गांव गरीब लोगों को झूठे प्रबोधनों देकर पैसे जल्दी दुना कर देने का वादा करके करोड़ों रुपए जमा कर लिए, परंतु जब निवेशकों की परिवक्तता अवधि पूर्ण हुई तो वह पैसा दूसरी कंपनियों में परिवर्तित कर दिया गया था। जिन जमाकर्ताओं द्वारा परिवर्तन नहीं कराया गया तो उनका भी भुगतान नहीं किया गया। आज देश के 13 करोड़ जमाकर्ता परेशान व पीड़ित है। उनकी पीड़ा कोई भी राजनीतिक दल नहीं सुन रहा। सुब्रत राय सहारा कोर्ट कचेरी की आड़ में पहुंचे वाले लोगों का भुगतान करता रहा और गरीबों का भुगतान नहीं कर रहा। देश के अंदर काफी FIR दर्ज होने के बावजूद पेरोल पर चल रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज काला दिवस मनाया गया तथा ईश्वर से प्रार्थना की कि ऐसे मानव को भगवान धरती पर दोबारा मानव के रूप में जन्म ना दे जिसने करोड़ों लोगों के घरों के अरमानों पर पानी फेर दिया तथा जमाकर्ताओं का मरण दिवस बना दिया है। आज उनकी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है। अमित शाह सहकारिता मंत्री द्वारा भुगतान के संबंध में घोषणा किए हुए लगभग 3 माह का समय व्यतीत हो गया, परंतु कोई भी पीड़ितों के संबंध में भुगतान संबंधी कोई नीति ही नहीं बन सकी। आखिर भुगतान होगा कब तक? पैसा निवेशकों को मिलेगा? आज के इस काला दिवस में संगठन के पदाधिकारी रितेश गुप्ता, राजकुमार श्रीवास्तव, दिलाराम राठौड़, कमलेश कुमार गुप्ता, रश्मि पांडे, भोलानाथ तिवारी, संजय पांडे, रामचंद्र गौतम, रजत शुक्ला, मूलचंद गौतम सुदर्शन, मुन्नी देवी आदि लोग शामिल होकर सुब्रत राय सहारा के खिलाफ नारेबाजी की तथा भुगतान संबंधी केंद्र सरकार से मांग की। इंडियन टीवी न्यूज पर अवनी सिंह सीतापुर से रिपोर्टिंग। आज हम लोग सुब्रत राय सहारा के जन्म दिवस 10 जून 1948 को जन्मे श्री सुब्रत राय सहारा द्वारा जो चिटफंड कंपनियां बनाई गईं उनमें हम लोगों का पैसा जमा कराया गया। पैसा जमा कराने के बाद में वो कागज़ पर कागज़ पकड़ाते रहे, आज तक भुगतान नहीं दिया। हम लोग आज उनके जन्मदिवस के अवसर पर उनका काला जन्मदिन मनाने बैठे हैं यहाँ पर और सब लोग अपने भुगतान न प्राप्त होने की दशा में परेशान और पीड़ित अवस्था में हैं। आज हम लोगों की अवस्था कोई 60 साल का है, कोई 62 साल का है, कोई 50 साल का हो गया है। आज इस अवस्था में लोगों को धरने अपने पैसे के लिए धरने पर बैठने के लिए विवश होना पड़ा। इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा व्यक्ति झूठ और फरेबी धरती पर दोबारा मानव के रूप में न जन्म ले और ऐसे व्यक्ति से जो है जो लोग ठगी का शिकार हुए हैं उनमें सरकार जो है ध्यान दे और हम लोगों की मदद करके भुगतान कराने का कष्ट करे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।